देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो जीआईएफ बेस्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीआईएफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम 1 to 2। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लें। पहले तो हम आपको बता दें कि जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है? नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3.2 का जीआईएफ क्या होगा, तो आप 3.2 का जीआईएफ बोलेंगे 3। कैसे? अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर सिस्टम में 2, इसको 3 और इधर कर लीजिए सपोज ये। तो आप बताइए कि 3.2 यहाँ पर लिखा होगा, तो 3.2 का नियरेस्ट इंटीग्रल कौन है? 3 है कि नहीं? तो 3.2 का आपका जीआईएफ 3 आया। अगर ऐसे ही हम बोलते हैं आपसे कि 3.9 का जीआईएफ क्या होगा, तो भी 3 होगा। अगर यहाँ 3.9 यहाँ पर है, ये 3.9 है, तो 3.9 का जीआईएफ कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप? 3 ना बोलेंगे? कभी कभी बच्चे सर कहते हैं कि 3.9 का जीआईएफ 4 होना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट इंटीग्रल तो ये है। लेकिन बेटा, नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स होता है, लेकिन क्योंकि जीआईएफ है, तो जीआईएफ में हमेशा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। अब बताइए 3.9 यहाँ पर है, लेकिन जब आप इधर से चलेंगे तो पहले कौन इंटीजर पड़ेगा? नियरेस्ट 3 ही ना पड़ेगा? 4 तो जब उधर से इधर आएंगे तब पहले 4 पड़ेगा आपको, लेकिन चलना इधर से इधर है। मतलब ये हम कहें कि अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, अगर हम यहाँ पर कहें कि 3.8 की बात करें, तो 3.8 का जो जीआईएफ होगा वो 3 होगा, क्योंकि हम इधर से जब चलेंगे तो पहले कौन पड़ेगा नियरेस्ट 3.8 के? 3 पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब ये कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि 3.8 का नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होना चाहिए। तो 3.8 का नियरेस्ट इंटीग्रल ये है सर बगल में, ऐसा नहीं है। आपका नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट ये होना चाहिए, यही होगा ही। तो 3.8 का अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? नियरेस्ट इंटीग्रल 3 होगा। 3.2 का पूछें तो भी क्या होगा? 3 होगा। 3 का कोई पूछे तो भी क्या होगा? 3 होगा। फिलहाल ये थोड़ी सी हल्की सी बेसिक जानकारी दे दी इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, तो आइए इस पर आगे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो बताइए 1 से 2 की बात करें इस जीआईएफ ऑफ एक्स की, तो 1 से लेकर 2 तक जीआईएफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो जब एक्स का वैल्यू अगर 1 से लेकर 2 के बीच में है, इसका मतलब यही हुआ, यहाँ एक्स लिखा है ना, एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में, यार 1 और 2 के बीच की बात करें, तो इसके बीच में कहीं भी जीआईएफ लगा लो तो उसका नियरेस्ट क्या मिलेगा? इंटीग्रल पार्ट 1 ही मिलेगा। मान लो अगर हम 1.5 की बात करें तो उसका नियरेस्ट कौन मिलेगा? 1.6 की बात करें तो नियरेस्ट कौन मिलेगा? 1.9 की बात करें तो नियरेस्ट क्या मिलेगा? 1। तो कुल मिला के हम इसकी बात करें तो जीआईएफ ऑफ एक्स 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और आप 1 से 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 1। इसी तरीके अगर हम बात करें 1 से लेकर 4 तक की जीआईएफ ऑफ एक्स में, तो आप क्या कहेंगे? अब ये जो जीआईएफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है वो डिसकंटीन्यूअस होता है इंटीजर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, क्योंकि इंटीजर पर डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। 2 के बाद अगला इंटीजर होगा 3, ये 3 पर हम डिसकंटीन्यूअस करेंगे। फिर 3 से लेकर 4 तक जीआईएफ ऑफ एक्स जाएंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर जब एक्स का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो उसका जीआईएफ हमेशा 1 है, तो वैसे ही यहाँ पर जीआईएफ इसका 1 हो जाएगा। बोलिए, 1 बचेगा, 1 आप बाहर कर, 1 से लेकर 2 1 dx प्लस, यहाँ पर अगर देखें तो जीआईएफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो 2 और 3 के बीच में है। तो जब एक्स का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा तो उसका जीआईएफ 2 होगा। देखिए ध्यान से, ये 2 और 3 है, अगर एक्स का वैल्यू 2 और 3 के बीच में कहीं भी हो जाए, लेकिन जब उसका जीआईएफ लगाएंगे तो हमेशा नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट 2 मिलेगा, तो ये 2 हो गया। और अंदर बचेगा 2 से 3 1 dx प्लस, 3 से 4 की बात करें तो 3 से 4 के बीच में जिसका जीआईएफ 3 हो जाएगा, तो 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 3 से 4 1 dx। थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे देखिए, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और हो जाएगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट, फिर यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा एक्स 2 से 3, फिर हो जाएगा आपका 3 बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका 3 से 4, करेक्ट है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2 माइनस 1, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुल लाके आपका आंसर आया 1 + 2 + 3 मतलब 6। ये मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके की एक छोटी सी प्रॉब्लम हम और लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सपोज दैट मैं यहाँ पर ये कहता हूँ
जीरो से लेकर मैं 1000 की बात करता हूँ, मान लीजिए ये, तो आप सबसे पहले इसका डिसकंटिन्यूटी इंटीजर पर चेक करेंगे तो जीरो से वन लेंगे जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वन से टू जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टू से थ्री जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ऐसे चलता रहेगा, तो सीधे डेड 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 डेस 100 है तो 99 से 1000 जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 0 से 1 के बीच में जी आई एफ की वैल्यू 0 होगी तो उसका इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है। 1 और 2 के बीच में जी आई एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1, अभी पढ़ाया हमने। 2 से 3 के बीच में जी आई एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में जी आई एफ ऑफ नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट 2 रहेगा, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 डी एक्स, ऐसे चलता रहेगा। आखिरी में जी आई एफ ऑफ एक्स 99 और 100 के बीच में, 99 और 100 के बीच में बेटा कहीं भी जी आई एफ लगा लो तो नियरेस्ट इंटीग्रल कौन है, 99 है, तो 99 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है 99 से 100 1 डी एक्स। 1 यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 1 से 2 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 2 से 3 99, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 99 से 100, यहाँ पर अपर माइनस लोअर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 3 माइनस 2 अपर माइनस लोअर करेंगे 1 ही आएगा, मतलब सीधे 2 लिख दें, आगे नेक्स्ट वाला 3 मिलेगा और आगे चल के 99 मिलेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पी मिल जाएगी। 1 से अगर 99 तक टोटल तम 99 है तो सम क्या हो जाएगा 99/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यानी हो जाएगा आपका 99 × 50 बिकॉज 1 + 99 100, 100/2 50, 99 और 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे वो जो आंसर होगा आपका जवाब। इस तरीके से मैंने आपको जी आई एफ का एक लिटिल वीडियो बनाकर थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही एक प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं, 0, 1 से लेकर मान लीजिए हमने कह दिया 2 और जी आई एफ ऑफ 4x dx। मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे मिल जाएगा, और आप जब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो मैं समझूँगा आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, 0 से लेकर 1000 तक जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मुझे इन दो क्वेश्चन के आंसर आपके कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए। धन्यवाद, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। इस तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियोस भी बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको कहीं ना कहीं आगे चल के बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।